हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि नीट अभी 5 मई सन 2019 में हुए थे पेपर। इसके बाद जिस स्टूडेंट का पेपर ऑलरेडी, जैसे जो ट्रेन की लेट की वजह से जिसका पेपर अभी तक नहीं हो पाया, उन्होंने भारत सरकार से, गवर्नमेंट से मांग किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, मतलब ऑलरेडी जिसका पेपर छूटा है, ऑलरेडी पेपर फिर से करवाया जाए उसको। होने की चांस अभी देखो क्लियर कोई नहीं हुआ है, मतलब प्रोबेबिलिटी चांस है कि मतलब होने की संभावना हो सकते हैं कि इस बार जिसका पेपर अभी तक नहीं हुआ है 5 मई में, जिसका एग्जाम छूट गया है, तो मतलब उसके पेपर होने की चांस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। क्योंकि देखिए कुछ ही दिनों में डेट इसके जल्द से ही आ जाएंगे, जो डिसीजन हो जाएगा कि जिसका पेपर अभी तक छूटा है, जो 5 मई सन 2019 में जिन्होंने नीट का पेपर अभी तक नहीं दे पाए हैं, उनका पेपर होने के चांस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। अब देखते हैं कि मतलब आने वाले दिन पे क्या मतलब सरकार डिसीजन लेगा इस बात पे, तब जाके मतलब जब कोई डेट आएगा तभी जा करके हमें कन्फर्म होगा कि दोबारा जिसका पेपर छूटा है होने के चांस हैं कि या नहीं है, वो तो आने वाले दिन पे। लेकिन अपने आप को प्रिपेयर रखें, इट मे बी जिसका एग्ज़ाम छूटा है वो किसी कारण बस लेट हो गए, जिसका ट्रेन मान लीजिए छूट गया, समय से नहीं पहुंच पाए एग्ज़ाम सेंटर पे, तो क्या हुआ उनको होने की चांस एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। हम आपके लिए यही उम्मीद करते हैं, हो सकता है भगवान की दया से हो जाए एग्ज़ाम, ज़्यादा अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के साथ।